अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम फ़ज़ाइया निकले हैं। ये अब हम M1 मोटरवे शावर मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं। ये आपको मोटरवे नज़र आ रहा है। हम अभी करीब यहाँ फतेहजंग इंटरचेंज पे ये हमने टर्न लिया। फतेहजंग इंटरचेंज के ऊपर हम उतरेंगे। जैसे ही हम फतेहजंग इंटरचेंज से उतरते हैं तो सामने फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम है। फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के अंदर से मोटरवे M1 शावर की तरफ जा रहा है। ये बहुत आइडियल लोकेशन है। इसके एक तरफ फतेहजंग रोड है जो 24 आवर कन्वेंस यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा मोटरवे इंटरचेंज भी है और इसके बैक साइड पे सी पैक रूट बनना शुरू हो चुका है। ये फतेहजंग इंटरचेंज की तरफ हम जा रहे हैं। अभी एक मिनट के बाद हम इसमें से उतर जाएंगे और सामने आपको फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम का ब्लॉक A जो कि 12 मरले के सारे प्लॉट हैं वो आपको विज़िट कराते हैं। इसमें आप देखेंगे गैस, पानी, बिजली मौजूद है। पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी सिक्योरिटी है। एयरफोर्स पुलिस के लोग, DSG गार्ड और सिविलियन एयरफोर्स सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। ये सामने आपको टैंकी नज़र आ रही है। अब हम टोल प्लाज़ा जो फतेहजंग इंटरचेंज है इसके ऊपर हम पहुँच चुके हैं। जैसे ही हम टोल प्लाज़ा से निकलते हैं तो सामने एयरफोर्स हाउसिंग स्कीम है, फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम है। हम आपको अभी इसकी विज़िट कराते हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे सिर्फ 300 गज़ और 600 गज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कमर्शियल प्लॉट भी अवेलेबल हैं। गैस, पानी, बिजली सारी सहूलतें इसके अंदर मौजूद हैं। नया एयरपोर्ट जहाँ से ओनली 10 मिनट जो कह लें कि टोटली 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इससे हम जो है नए एयरपोर्ट पर फौरन जो है ना पहुँच सकते हैं। पानी का वफर बंदोबस्त इस वाइल्ड सोसाइटी है जिसमें जो है ना 6 लाख गैलन पानी योमिया यहाँ पे शाहपुर डैम से लाया जा रहा है। इसकी पाइपलाइनें बिक चुकी हैं, इसकी अप्रूवल हो चुकी है और इंशाअल्लाह हमें जो है ना मार्च से पहले ये पानी मिल जाएगा। ये फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम को हम टच कर चुके हैं। अब हम इसके ब्लॉक A के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये छोटा सा ब्लॉक है, ये कट चुका है। इसमें 2 पोर्शन इसके हो गए हैं क्योंकि इसके अंदर से मोटरवे जो है ना कि पेशावर M1 जो